तो पांच विकार जो है वो अगर वश में करने, और जिनको वश में करना बहुत जरूरी, इसलिए जरूरी है कि साधना के रास्ते के जो अवरोध हैं, जो रुकावटें हैं, वो यही विकार तो हैं। तो अगर आत्मा की यात्रा को स्मूथ बनाना है तो फिर निश्चय ही मार्ग के सारे अवरोध हटाने पड़ेंगे, सारी रुकावटें हटानी पड़ेंगी। उन रुकावटों को हटाने के बाद यात्रा शुरू हो ये जरूरी नहीं है, यात्रा अभी शुरू करें। रास्ते में जहां कहीं झाड़ झंकार कंकर पत्थर कोई बाधा पड़ी होगी उसको हटाते चले जाएंगे, लेकिन ये अगर सोच लें कि पहले सारे रास्ते की बाधाएं हटाएं फिर यात्रा पे निकलेंगे, ये तो मूर्खता होगी, क्योंकि यात्रा तो तुम कर आए बाधाएं हटाने में। जब ये संकल्प बना लिया कि यहां से वहां तक जाने में सारा रास्ता पहले साफ करें फिर चलेंगे इस रास्ते पर, तो जब साफ करने निकले थे तो यात्रा तो होगी, और वहां तक पहुंच गए जहां तक तुम्हें अब जाना है, तो फिर लौट के क्यों आ गए? बाधाएं हटाने का संकल्प है साधना के साथ साथ चलता है, और साधना का संकल्प जो है वो बाधाओं को दूर करने में सहायक बनता है। तो अपना लक्ष्य बना, लक्ष्य ब्रह्मत्व के अलावा कुछ नहीं होना, ब्रह्म बनना है बस, कोई समझौता नहीं, कोई सौदा नहीं। गुरु तुम्हें उस प्रश्न का सामना नहीं करने देता, जब तुम्हारी आत्मा ब्रह्म सरोवर पे पहुंचती है तो वहां प्रश्न होता है आत्म गुरु का कि कुछ चाहिए, ले लो और लौट जाओ, तो वहां सिद्धियां मांगी जा सकती हैं, मिलती हैं, लौट के आया जा सकता है सिद्धियों के साथ, लेकिन फिर उसके बाद मोक्ष कभी नहीं होता। फिर वही हालत होती है उस आदमी की, 200 साल के आदमी की, जो झरने के किनारे पे पड़ा। अगर अमृत को चाहिए, अगर मृत्यु से मुक्ति चाहिए, अगर मृत्यु से मोक्ष चाहिए, मुक्ति ही नहीं मोक्ष चाहिए, तो फिर मोक्ष के अधिकारी बनना है, और मोक्ष के अधिकारी बनकर मोक्ष की जो स्थिति ध्यान से प्राप्त हुई है उसको इतनी मजबूती से पकड़ के रखना है कि हाथ कट जाए पकड़ न छूटे। और अगर अपने विकारों को हमने मार लिया, अगर अपने विकारों को हमने विजय कर लिया, तो फिर रास्ते में बाधा ही कोई नहीं, फिर क्या दिक्कत है चलने। तो ये अवरोध हटाते हुए चलें, ब्रह्मत्व हमारा लक्ष्य हो, ब्रह्मत्व हमारी प्राप्ति का ध्येय बने, इस संकल्प के साथ जब साधना करोगे तो निश्चय ही वो तो इंतजार कर रहा है। ये भी याद रखना, जिसने तुम्हें यहां भेजा है वो तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा कर रहा है, तो जो जितनी जल्दी चला जाए उतना बढ़िया, क्योंकि फिर जब उसने सबको एक दिन वापस बुलाना है तो भीड़ में समय नहीं मिलेगा उससे बात करने का। अभी जाओगे तो अकेला है, समय है, बात हो सकती है, रस मिल सकता है उसके पास बैठने का। जब सारी सृष्टि की आत्माएं वापस जाएंगी, जिसको महाप्रलय का दिन कहते हैं, फिर इतनी भीड़ में तो तुम्हें क्या पहचानेगा और तुमसे क्या बात करेगा। तो अगर बात करनी है तो पहले जल्दी से निकल लो, अकेला है उसके पास बैठो, बात करो, उसको भी अच्छा लगेगा, तुमको भी अच्छा लगेगा, और हमारा तो आशीर्वाद ही कि तुम्हें ब्रह्म तो मिले, तुम ब्रह्म बनो। ओम शांति।